महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विधायक संजय शर्मा ने काचरकोना सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भाग लेते हुए महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को आज भी प्रासंगिक बताते हुए स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के बाद 2 अक्टूबर को लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं। श्री शर्मा ने दलितों को ऊंचा उठाने, हरिजन नाम देने, देश के समर्पण, जलियावाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन जैसे विषयों को रेखांकित करते हुए काफी विस्तार से गांधी और शास्त्री जी के जीवन पर बात रखी। विधायक संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि माननीय कमलनाथ जी के द्वारा मिले दिशा निर्देश के अनुसार गांधी जयंती 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा केंद्र राज्य में चलाई जा रही जन विरोधी नीतियों को उजागर कराएगा, जनता को जमीनी हकीकत से अवगत कराया जाएगा। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में चुने हुए हर प्रतिनिधि को जनहितकारी काम करने चाहिए, लेकिन पूर्णतः कृषि ग्राम और अपने आप को किसान बताने वाले, किसान हितैषी कहने वाले मुख्यमंत्री ने काचरकोना में स्वयं आकर कुछ घोषणाएं करके गए थे, लेकिन उन घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं हुआ। चाहे नदी कटाव का विषय हो या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषय हों, केवल लोगों को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। जानबूझकर आज तक कोई भी विशेष पैकेज इस तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को नहीं दिया है। विधायक श्री शर्मा ने ग्राम पंचायत से मिले मांग पत्र को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक को तलब करते हुए स्पष्ट किया कि ग्राम के सरपंच शुभ लक्ष्मी शिवराज सिंह पटेल द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के दौरान जो भी विषय आए हैं उन्हें शीघ्र ही पूर्ण कराए जाएंगे तथा खेल ग्राउंड, पीएम आवास, सीसी सड़कों के निर्माण, ईश्वरपुर में सुनहेटी तक सड़क निर्माण, टाल मोहल्ला से काचरकोना तक सड़क निर्माण, आधुनिक शाला की मरम्मत, नल कनेक्शन और विद्यालय समय पर ना लगने जैसे विषय जो छात्रों ने रखे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाएगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ग्राम पंचायत इकाई छोटी छोटी समस्याओं को स्वयं शीघ्र निपटा लेगी, लेकिन शेष बड़ी समस्याओं को विभागीय स्तर पर निपटा लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को हम सम्मानित भी करेंगे। काचरकोना एक अच्छा गांव है, आपसी सामंजस्य बनाकर यहां की हर समस्या को निपटाना यहां के हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है। इस मौके पर सूर्यकांत दिवगया, विनोद शुक्ला, दीवान लेखराज सिंह, कीरत पटेल, महन तिजोरी वाले, किशोर राय, अजय गुप्ता, संतोष पटेल, दीवान शैलन सिंह ने भी संबोधित करते हुए विधायक संजय शर्मा की क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण और कर्मठता का काफी विस्तार से बखान किया। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, भाजपा की गतनी करने को काफी विस्तार से रखा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पटेल और आभार ब्लॉक बूथ प्रभारी यशवंत आचार्य के द्वारा किया गया। इस मौके पर तेंदुखेड़ा मंडलम के लिए महेंद्र पटेल ग्वारी को अध्यक्ष बनाए जाने का नियुक्ति पत्र दिया गया तथा पूरन लाल को किसान कांग्रेस का दायित्व तो सौंपा गया। जन्म दिवस को उतने ही सम्मान के साथ हिंदुस्तान बनाया जाता है पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति की मान सम्मान की चिंता में अपना जीवन लगाया, इसलिए देश में आज में इतने सम्मान से याद किया जाता है। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे साथी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय दीवान शैलेंद्र सिंह जी, किसान पटेल जी, तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।